हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक कलेक्टिव लव रीडिंग लेके आया हूं। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कौन सी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में हिडन है और कैसा होगा उनका इमीडिएट एक्शन। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, सो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं अप्रोच करूंगा, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम नंबर है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर और आपके फ्रेंड जिसके साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन है, वो आपको क्या सोच आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दसवां विद्या माँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स बता दीजिए। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है, फर्स्ट वो है जस्टिस का। सो यू नो, मैं बहुत ज्यादा लिब्रा एनर्जी देख सकता हूँ, एम्प्रेस यानी के एरीज एनर्जी देख सकता हूँ, स्कॉर्पियन एनर्जी देख सकता हूँ। तो अगर आप कोई स्कॉर्पियो एरीज लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके सामने क्लियर कट बात करना चाहते हैं। कोई पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उसको कितना प्यार करते हो। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको नज़रअंदाज किया है, ब्लॉक किया है, बात ठीक से नहीं किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इसको प्यार किए हो उस तरीके से ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोलना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे। कहीं ना कहीं किसी को कुछ सच्चाई पता चला है किसी फ्रेंड्स के थ्रू। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा था और आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, किसी को सच्चाई पता चला है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपको भी आपके पार्टनर के बारे में कोई सच्चाई पता चल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि यू नो, ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप दोनों ही दोनों के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, वहाँ से एक पॉजिटिव टर्न ले रहे हैं जिंदगी, प्यार एक पॉजिटिव मोमेंटम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फाइनली कोई पर्सन बात करेंगे चुप रहने के बाद। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ के बीच का कनेक्शंस है। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो बट डिवोर्स की कगार पे चले गए थे, वहाँ से रिटर्न आ रहे। कोई पर्सन बोल रहे हैं आपको कि वो सच जानना चाहते हैं क्या है आप दोनों के बीच में और क्या प्यार है या नहीं। आई थिंक ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हैं, जहाँ पे शायद आप किसी पर्सन को पूरे सच को नहीं बोले हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप दो पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और फाइनली आप एक पर्सन को बोल रहे हो कि इसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो और फाइनली आप एक पर्सन को नो बोल रहे हो। कहीं ना कहीं ये अंदर से एक डिसीजन आप ले रहे हो, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि कोई पर्सन अननोइंगली आपके करीब आ रहे हैं और कोई पर्सन अननोइंगली आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई पर्सन को आप कट ऑफ कर रहे हो, जैसे कि मानो आपके परमात्मा आपको बोल रहे हैं किसी से दूर रहने के लिए और किसी से कनेक्ट करने के लिए। जस्टिस का कार्ड मतलब क्या है कि आपके जो गुड कर्मा है यह आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप्स में बिना छुपा के, बिना भी कुछ छुपा के प्यार किए हो और इस रिलेशनशिप में अगर सच्चाई था, सो डेफिनेटली सच्चाई बाहर आ जाएगा। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको झूठ बोले थे या फिर आपने कुछ झूठ छुपाए हो, सो वो सच्चाई भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई सच जानने के लिए आपके सामने आएंगे और आपको क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली मैं ये भी देख सकता हूँ कि इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, सो इनजस्टिस खत्म यानी कि कोई जस्टिस दिलवाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। ये भी मैं देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर आपके बारे में बहुत उल्टा सीधे किए एंड उल्टा सीधे बोले भी। सो वक्त आ गया है कि थर्ड पार्टी को रिमूव करके या आपको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपको सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऐसे इसके मानना है कि आप सही हो, दूसरों से काफ़ी अलग हो, इसीलिए वो आपको चूज करना चाहते हैं और इसीलिए वो आप दोनों के रिलेशनशिप्स को बाहर के दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकन जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो एंड साथ ही साथ पाइसियंस के साथ डील कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं। खास करके मैं देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन है या फिर सेपरेटेड पर्सन है।
जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में थे बिकॉज ऑफ उनके प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बिजी रहते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर ये एक फाइनेंस ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर बैंक में काम करते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो गए थे और ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ये फील कर रहे हैं कि शायद आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर ये आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, या फिर इसके घर वालों इसके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं शादी के लिए, तो फाइनली ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको एक नतीजा पे पहुंचना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसके घर वालों ने इसके ऊपर बहुत मैनिपुलेशंस किए हैं और कहीं ना कहीं बोले हैं कि इसको कोई शादी के लिए किसी दूसरे पर्सन को चूज़ करने के लिए। सो ये पर्सन पहले आपको नहीं कर रहे थे प्यार, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए सोच रहे थे क्योंकि इसको मजबूर किया गया था, बट फाइनली मेरे को लग रहा है कि ये स्टेप लेंगे क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो ये शायद घर वालों के बोलेंगे कि शायद इसका सच्चा प्यार आप हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि घर वालों के अगेंस्ट में जाके ये कोई डिसीशंस ले रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इसके एक्स वाइफ या फिर एक्स लवर ने इसके साथ अभी तक कनेक्ट किए थे और कहीं ना कहीं एक इमोशनल ट्रॉमा बॉन्ड इसके साथ था, तो ये उसके वजह से आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे और जितने बार भी ये कोशिश कर रहे थे आपके करीब आने के लिए, इसके पास इसको बार बार पास की तरफ धकेल रहे थे। कहीं ना कहीं कोई पर्सन को समझ में आ रहा है कि उसको मूव ऑन करनी चाहिए, तो ये अपने पास से बाहर आ रहे हैं, ये घर वालों से भी बात किए हैं, ये अपने मेंटल प्रिपरेशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोलीग हो, या फिर एक ही ऑफिस में हो, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर आप दोनों के डेली रूटीन सेम है, तो मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपके रूटीन के अनुसार आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये कोई टाइम पास नहीं करना चाहते, तो मैं देख सकता हूँ कि शायद ये पर्सन टाइम पास की तरह इस सारी चीज़ों को ले लिए थे और सीरियस नहीं हुए थे। फाइनली कोई पर्सन बहुत सीरियस हो जा रहे हैं, ये पर्सन एक भी मोमेंट को हाथ से जाने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं, शादी कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, फ्यूचर कैसे होंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सो इट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। यस, यहाँ पे आ गया है सिक्स ऑफ कप्स, तो रीयूनियन, कोई पर्सन फाइनली आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, खास करके कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस लियो हो सकता है। मैं ये भी देख सकता हूँ किसी किसी के लिए लियो कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस एक्वेरियस हो सकता है, जो बार बार आपको याद करते हैं। मैं ये देख सकता हूँ आप लोग सेपरेटेड हो, भले आप इसके लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको भी एक लग रहा है कि शायद एक सेकेंड चांस देना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसे पर्सन के बारे में आप कंस्टेंटली सोच रहे हो, शायद ये आपके एक्स है, शायद एक टाइम पे आपके बहुत अच्छे दोस्ती थे बट उसके बाद से कट ऑफ हो गए। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं और ये इस पर्सन को आप आने नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको, आप अभी उस माइंडसेट पे नहीं हो, बट ये अपनी गलती को मानने के लिए राजी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रिकन्सिलिएशन, रीबर्थ, रीयूनियन हो रहा है। खास करके अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक सेपरेटेड मदर या फिर फादर हो, तो बच्चे के लिए आपके हस्बैंड या फिर सेपरेटेड हस्बैंड या फिर सेपरेटेड वाइफ आपके करीब आ रहे हैं, कोई चाहते हैं फिर से एक नया संसार बनाए। अगर आप एक ऐसे सेपरेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके चाइल्ड है, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके चाइल्ड के साथ काइंड ऑफ आपका एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहे है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए कोई पर्सन आपको हाथ से जाने नहीं देंगे, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई ऐसे फ्रेंड्स आके ये इसको समझाए है, ऐसा हो सकता है कोई थेरेपिस्ट, ऐसा हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये खुद के बारे में कुछ चीज़ देखे। जैसे कि मान लो कि ये आपके सपने देखते हैं और आप दोनों काफ़ी इंटीमेट थे, बहुत कुछ चल रहा था, बट अचानक सब बर्बाद हो गया, अचानक सब कुछ गायब हो गया। सो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स तो है बट इस पे इमोशंस मिसिंग था, पैशन मिसिंग था, ऑल ऑफ अ सडन ये रिलेशनशिप्स एक बहुत
खराब शेप ले लिए थे, फाइनली वो खराब शेप चला जा रहा है, क्योंकि ये हुआ था बिकॉज ऑफ दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, दोनों ही चिड़चिड़ा हो गए थे। आई थिंक लाइफ के जो प्रैक्टिकलिटी है, रियलिटी है, ये आप दोनों को काइंड ऑफ अलग बना दिए थे, बट फाइनली आप दोनों ही राजी हो जा रहे हो कि इस रिलेशनशिप पे आप दोनों ही वॉक करेंगे, इस रिलेशनशिप से आप लोग मूव ऑन नहीं करेंगे, शायद और एक चांस आप दोनों को देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऐसे ही माइंड सेट लेके आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं। लेट्स सी आप दोनों के जो रिलेशनशिप में कौन सी चीजें हैं जो अभी तक हिडन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन सी चीजें हिडन हैं। ओके, फर्स्ट चीज है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ चेरियट, दोनों ही काफी ऑनेस्ट हो एक दूसरे से, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए ऑनेस्टी का जवाब चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि सेकेंड टाइम ये रिलेशनशिप या फिर ये पर्सन आपको पसंद आया था, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि दोनों का ही सेल्फ वैल्यू बढ़ गया है। आई थिंक रिजेक्शंस के बाद या फिर जो टर्मोइल था उसके बाद फाइनली रियलाइज हो रहे हैं दोनों का कि दोनों ही दोनों के प्रेजेंस को नज़रअंदाज किए हो, दोनों ही दोनों को बहुत अंडर एस्टिमेट किए हो, या फिर हो सकता है कि आपको ये अंडर एस्टिमेट किए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से ही इसको प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, बट ये शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर ये पर्सन को आप अलाउ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पास्ट। कहीं ना कहीं जो सच्चाई ये रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं, जो प्यार ये रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं, वो प्यार बाहर नहीं आ रहा था, उस प्यार के कॉन्सेप्ट आ रहा था। यानी कि आप दोनों को पता था कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट कैसे, या फिर कोई सबूत आपको नहीं दिख रहा था। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस धीरे धीरे अनलोइंगली रेडी हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि शायद आप दोनों का इतना अंदाजा नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहने लगोगे, बट आई थिंक इस टाइम पे रह के आपको शायद अभी ये रियलाइजेशन हो रहे हैं कि हाँ, शायद ये पर्सन को आप प्यार करते हो, भले आप कितना भी इग्नोर कर लो, भले आप कितना भी साइड पे रख दो, बट आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो ये रिलेशनशिप्स वर्क करे, आप भी चाहते हो कि कोई पर्सन आपके सामने आके माफ़ी मांगे, आप भी चाहते हो कि आप जिस जो इन्वेस्ट किए हो, जो टाइम आप इन्वेस्ट किए हो, जो प्यार आप इन्वेस्ट किए हो, ये दूसरे पर्सन के आंखों में ये दिख जाए, या फिर आपका प्यार दूसरे पर्सन के आंखों में दिख जाए, और वही होने वाला है। सो मैं देख रहा हूँ कि शायद आप बात नहीं कर रहे हो, शायद आप वेट कर रहे हो कि किसी के आने का, और वो सेम चीज़ ही करेंगे। ये चीज़ हिडन था, आई थिंक कोई पर्सन चुपचाप सह रहे थे, बट अभी वो चीज़ होगा। लेट्स सी और क्या चीज़ हिडन था और है। सेकेंडली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एयर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हड़बड़ी में दोनों ही थे। ऐसा हो सकता है कि शादी का प्रेशर, या फिर ऐसा हो सकता है कमिटमेंट का प्रेशर, बट रिलेशनशिप का मेन जो चीज़ है वो है एक दूसरे को समझाना एंड एक दूसरे को समझना। आई थिंक आप इस पर्सन को समझा नहीं सकते, या फिर समझ नहीं पाए, या फिर समझा नहीं सके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। आई थिंक आपको भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना था और आपने किए, शायद ये पर्सन अपने ऊपर सेल्फ वर्क नहीं किए। एयर ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं जो काम इसको करना चाहिए, या फिर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के लिए प्रे करना, एक दूसरे के विशेज को मैनिफेस्ट करना, ये नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक रिलेशनशिप फाउंडेशन, कमिटमेंट, ये सब भारी भारी वर्ड्स इस रिलेशनशिप के जो मासूमियत है इसको बिगड़ के रख दिया। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप में प्यार है, पैशन है, ऑनेस्टी भी है, बट इस रिलेशनशिप पे सेल्फ एस्टीम का कमी है, इस रिलेशनशिप पे स्पेस का कमी है, इस रिलेशनशिप में वो तगड़ा फाउंडेशन की कमी है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं रहेंगे। सो कहीं ना कहीं एक सेपरेशंस, या फिर दोनों के मेंटल कंडीशंस, या फिर दोनों के फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल इंटीमेसी, शायद एक दूसरे को दोनों कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल के रख देते हैं, बट हो आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर। तो आई थिंक आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो, बट एक दूसरे को नहीं देख पाते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट दोनों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को जानने के लिए, दोनों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कैरियर का प्रेशर, या फिर घर वालों का प्रेशर, या फिर ये सिचुएशन से कुछ अलग हो गया था, बट आप दोनों को एक दूसरे को बहुत टाइम देना है, एक दूसरे को जानना है, खुद को जानना है, दूसरे पर्सन को जानना है। ये सब यहाँ पे सिचुएशंस नहीं है ये
कि कौन सही कौन गलत है। यहाँ पे सिचुएशंस है कि क्या आप सही तरीके से खुद को टाइम देते हो, क्या खुद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है क्या आप लिस्ट करके रख सकते हो, या फिर क्या आप पूरी तरीके से खुद को मानते हो, खुद के वैल्यू करते हो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इस रिलेशनशिप्स के अंदर अभी भी है। सो टाइम देना है, एक्सेप्ट करना है, समझना है एंड समझाना है भी एक दूसरे को। लेट्स सी और क्या चीज़ें हिडन हैं इस टाइम पे, एनर्जी रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी, ओके, यहाँ पे है द फुल। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का जो ग्रोथ है ये अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि डर, क्योंकि पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग इशू। कहीं ना कहीं निडर होके एक दूसरे को स्पॉन्टेनियसली बात करना है, बट शायद यहाँ पे आप बात नहीं कर पाते हो क्योंकि दूसरे पर्सन आपको अलाउ नहीं करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को बोलने के लिए, या फिर आप समझ नहीं पाते हो कि किस तरीके से आप इस पर्सन के साथ बात करें। रिप्लाई कम आता है, इमोशंस का जगह नहीं है, फ्रीली बात नहीं हो पाता है, दूसरे का माइंडसेट समझ नहीं पाते हो। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि ये रिलेशनशिप्स जो भी है आपको यकीन है कि ये वर्क करेंगे, बट कैसे करेंगे शायद पता नहीं है। काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न से आप थक गए हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा जाता है, बट जाते जाते ये इसका ट्विस्ट बहुत एंड टर्न्स बहुत अनएक्सपेक्टेड है। सो मैं अभी भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि अभी भी वो ट्रस्ट वाला फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है, ट्रस्ट इश्यूज है, हिडन इमोशनल चेंजेस है। आप सुपर सेंसिटिव हो, ये बहुत कंट्रोलिंग है, या फिर ये इसका एंगर इशू है, आप बहुत ज़्यादा यू नो सेंसिटिव हो। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के टेम्परमेंट को समझ नहीं पाते हो। इसीलिए क्या हो जाता है कि रिलेशनशिप में फाउंडेशन तो अच्छा है, बट जब भी जब भी एक डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है और जब भी दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम अराइज करते हैं, तो अक्सर एक दूसरे को आप दोनों ही डिसअपॉइंट करते हो। जैसे कि कोई सुपर हाइपर होके बात कर देते हैं, या फिर कोई कम्प्लीटली रो देते हैं, या फिर कोई सारे गुस्से को निगल जाते हैं, एंड जहाँ पे फ्रीली बात आपको करना चाहिए वहाँ पे आप फ्रीली बात नहीं कर पाते हो और मेन इश्यू को हाइड कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ये सोच के कि कोई नए प्रॉब्लम ना आ जाए। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रबल शूट करते 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 कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का जो केमिस्ट्री है ये मिसिंग होता जा रहा है। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप्स धीरे धीरे एक रोबोटिक शेप ले रहे हैं, और इस रोबोटिक शेप में आप दोनों ही दोनों को प्यार कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं दोनों ही दोनों को समझ नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सरेंडर कर रहे हो। सो यहाँ पे आप सरेंडर करिए, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर। इस रिलेशनशिप्स में आपको उतना स्ट्रैटेजिक होके कुछ नहीं करनी है, सिंपली ये डेस्टिन है ये मान के चलिए। अगर आपको जो फील हो रहा है वो अच्छे तरीके से डिस्कस आप करेंगे तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आप सोच के बहुत दुखी महसूस करते हो, या फिर आपके पार्टनर सोच के दुखी महसूस करते हो, ये सब चीज़ आप लोग आपस में डिस्कस करके भी खुशियों को वापस ले आ सकते हो। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, बट आप दोनों ही अलाउ नहीं कर रहे हो इस न्यू बिगिनिंग को, तो इसीलिए पुराने पैटर्न से ही ये रिलेशनशिप 5 साल, 10 साल, 11 साल, यहाँ तक कि आज तक सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। किसी ना किसी को ये पैटर्न को ब्रेक करना है, किसी ना किसी को एक नए तरीके से एक दूसरे को फीलिंग्स को जानना है, एक्सप्रेस करना है, और एक दूसरे को नए तरीके से एहसास दिलाना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से कौन सा इमीडिएट एक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा अभी। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या इमीडिएट एक्शंस लेने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं 7 of Wands। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आके बहुत ज़्यादा बात करेंगे, नहीं, ये स्मॉल जेस्चर्स के साथ आपको समझा देंगे कि हाँ ये आपको याद करते हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज या फिर स्टोरी रिप्लाई या फिर कोई छोटा मोटा मैसेज आपको मिल जाएगा, या फिर आपको एक साइकिक ड्रीम मिल जाएगा, या फिर आपको रिपीटेटिव साइंस दिख जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए इसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, तो ये पहले जैसे नहीं रहा, ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और आपको भी ये चीज़ पता है, आप भी अंदर से एक चीज़ नोटिस किए हो। सो
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ड्रामेटिक चेंज. ओके, आप यहाँ पे ड्रामेटिक चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आप देखोगे जो पर्सन पहले रिप्लाई तक नहीं करते थे या फिर जो पर्सन बहुत डिफरेंट तरीके से डील करते थे कोई चीज़ को, वो बहुत सॉफ्ट होके डील करेंगे. और यही सॉफ्ट वाला एक्शंस आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है. तो एक स्मॉल चेंज होगा बट बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव चेंज होगा. आई थिंक ये अपने एंगर इशू को या फिर सुपर सेंसिटिवनेस को हटा देंगे, या फिर ये बहुत रिजिड जो स्टबर्न जिद्दीपन है इसका, इसको ये हटा देंगे, या फिर हमेशा अगर इसका क्रिटिसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा ये अगर क्रिटिसाइज आपको करते थे तो उस चीज़ को ये हटा देंगे, ये आपके आपके तरह बात करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे. लेट्स सी. ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स. यानी कि आप जिस तरीके से यूनिवर्स के सामने मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसा ही होगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, ये रिलेशनशिप भी ईश्वर के साथ कनेक्टेड है. सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंज इस रिलेशनशिप्स के अंदर आ रहे हैं. इस स्पिरिचुअल चेंज में आप देख सकोगे कि आपके पर्सन धीरे धीरे कॉन्स्ट्रक्टिव होके आपके साथ बात करना चाहेंगे, और जो जो टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो वैसे टॉपिक पे. कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग साइकिक पीपल हो, आपको भी पता है साइकिक रीडिंग्स, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप इंट्यूटिव हो, आपको पता चल जाता है चीज़ें क्या होने वाला है. आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट ही चीज होगा. सो जो चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि शायद आपके पर्सन आ रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं या फिर चेंज हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज ट्रू. क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब शायद आपको ऑलरेडी ईश्वर ने मैसेजेस दे दिए है, या फिर यूनिवर्स ने आपको मैसेजेस दे दिए है, और चीज़ें होगा अकॉर्डिंग टू दैट. सो कहीं ना कहीं शायद आपको कोई फ्रेंड आपको बोले है कि ये कुछ करने वाले हैं, शायद आपके सामने प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आपके सामने बात करना चाहते हैं, या फिर आपको अकेले बुलाएंगे. सो वही चीज़ होगा, बट ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते एकदम. ओके, और लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है द वर्ल्ड. ओ माय गॉड, कितना सुंदर कार्ड है, आप ज़रा देखिए इस कार्ड को. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग एक टफेस्ट साइकिल को हटा के एक नए साइकिल के अंदर जा रहे हो, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आता है लवर. सो ये भी और एक ब्यूटीफुल मोमेंट है, क्योंकि ओ माय गॉड, फाइनली किसी को पता चल रहा है कि बहुत हुआ बच्चों जैसे झगड़ा, और दिल को फाइनली सुनने वाले हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे. यू नो, ये अपने घर वालों के मैनिपुलेशंस के अंदर आके बहुत कुछ कर रहे थे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बातें बंद कर दिए थे, गोस्ट करके चले गए थे. किसी को पता चल रहा है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है. तो जस्टिस का कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब क्या है कि फाइनली कोई पर्सन अपने इनर डेविल को हरा के आपके सामने आके पूरे सच को बताएंगे, कन्फेस करेंगे. और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये कन्फेशंस के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा. सो कोई डाउट क्लियर करने के लिए आ रहा है, कोई आपका बाधा निभाने के लिए आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक हाइयर लेवल ऑफ कमिटमेंट देने के लिए कोई पर्सन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं. और इस टाइम पे ये पक्का रिकन्सिलेशंस होगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए. आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा डिवाइन लव, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगी स्वाहा, जय माँ मातंगी, बाय बाय, टेक केयर. बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ. सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब.